अंकित गुड इवनिंग हेलो भरत भाई नमस्कार गुरमीत जी नमस्ते दीपक भाई नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते सर कैसे है बहुत बढ़िया आप कैसे हो कृपा सर कृपा वेरी गुड गुरमीत जी कैसे हो आप भीमपांडे भाई। गुड इवनिंग सर जी। समोसे खा रहे हो? नहीं 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 सर। आज समोसा <laughs> नहीं बना। हाँ जी? आज समोसा नहीं, समोसा आज समोसा नहीं, नहीं बना, बना आज। आज ब्रेड पकोड़े बने हैं। अरे यार तुम्हारे यहाँ का समो समोसा तो रियली माशाल्लाह होता, होता है। यार बहुत बढ़िया होता है। बहुत ही अच्छा होता है। <laughs> थैंक यू सर जी �

लगा लो चक्कर भरत भाई एक काम करो रोटेट किया करो यार तीन चार सब लोग इधर उधर हर महीने रोटेशन पे आ जाएगा वो एक बार कहाँ रोटेशन पॉसिबल है सर अब तो रोटेशन चलो बाद में करेंगे बात इस बारे में तो <laughs> कुछ और रोटेशन हो जाएगी है बाद में बाद में करेंगे पंकज जी नमस्ते ये सेंट्रल और नॉर्थ दोनों की टीम जुड़ी हुई है पंकज जी हमारे कानपुर से हैं एच से अंकित भाई बाकी आपके कितने और लोग आने आ गए क्या जीशन भाई है? सर, जिस, सर, है ना सेंट्रल इज ज्वाइनिंग सून है ना कितने लोगों ने आना था ओनली वन इज लेफ्ट नितिन इज़ सर कौन है अपना सागर, सागर 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 सोनी भारत जी, दीपक जी और ये गुरमीत जी तीनों लोग आ गए हैं पंकज जी हम स्टार्ट कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग पंकज जी बस स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में ठीक है अभी दो तीन लोग और हैं सेंट्रल से जो ज्वाइन कर रहे हैं इन नेक्स्ट टू थ्री मिनट्स तो बस स्टार्ट करते हैं दो तीन मिनट में सर रतन सर गुड इवनिंग जी सर वेरी गुड इवनिंग जी नमस्कार नमस्कार तो मैंने वाले 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 उसे से ज्वाइन कर लिया है गुड इवनिंग सत सत्या जी गुड इवनिंग हाँ क्या बोल रहे हैं जीशन भाई मैं कह रहा हूँ सर अभी इसको कर लेते हैं दो तीन मिनट में ना अभी सेंट्रल से ज्वाइन कर रहे हैं दो तीन लोग तो इसलिए वेट कर लेते हैं ठीक है दो तीन मिनट में स्टार्ट करते हैं सर ठीक है नो प्रॉब्लम ओके अभी आएगा सर उसके ऊपर तो अभी तो एफआईबी एफआईबी कह रही है सर अभी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने महिंद्रा में लगवाया जी उसने अपानी डाल दो अपानी पोजीशन सेंट्रल से आ गए क्या नॉर्थ तो कंप्लीट हो गया नितिन भाई दिख रहे हैं नितिन जी नमस्कार गुड आफ्टरनून सर दिनेश चौधरी अलवर से सर नमस्कार कोटी कोटी प्रणाम नमस्कार और सब खैरियत है नितिन भाई जी बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर तुम झटका बड़ा देते हो यार कभी ग्रुप से हट जाते हो कभी कुछ कर देते हो घबराहट हो जाती है हाँ जीशम भाई यही प्यार बना रहा है सर आप लोगों का सेंट्रल से अलवर अपने दिनेश भाई आ गए हैं और फरदीन जी दिख रहे हैं और अपना पंकज जी दिख रहे हैं और किसने आना था हाँ बस उनको जरा बोल दो एक बार ठीक है ठीक ठीक रतन सर जी सर जी सरकाम वो आ गया क्या कुछ ये बाद के बाद में ऑडिट दे। के बाद में कभी होता पहले ही देख कोई भी मिस्टर बना कभी हेलो हेलो सर सॉरी देयर इज अ नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू सो आई हैव लॉस्ट द नहीं अभी वो भी नहीं, देंग। नहीं, देंग। नहीं आ रहे क्या कहते हैं आ उसको रिशन को बोल दो कि आगरा और बाकी लोगों को बोल दें भीम को राम जी आप कहां से हैं रतन सर जी सर ही uh, विल आगरा विल जॉइन विदना फाइव मिनट जिसान इज सेइंग कि वी कैन स्टार्ट सर स्टार्ट कर दें तो आप अब मिस्टर गरीब बाकी सब आप आ गए इसे सुना यस सर स्टार्ट कर दे सर नितिन सागर आर यू देयर ना हाँ नितिन जी है मुस्लिम जी हैं भारत जी हैं साहब ब्रटेन भी हैं हमारे एरिया मैनेजर साहब ब्रटेन हाउ डू यू स्पेल यार योर सेल्फ प्लीज कैन यू लेट मी नो सर आई स्पेल इट एज ब्रटेन बी आर टी ब्रटेन 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 वेरी गुड ब्रटेन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू टू रेनो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे बात नहीं हुई आई एम रतन सिंह रूरल एरिया मैनेजर रूरल एरिया एडवाइजर ओवर हियर

होप माई प्रेजेंटेशन इज विजिबल एंड आई एम ऑर्डिबल हेलो अंकित मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है, है।, है सर विजिबल है ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सबका शाम का वक्त है आप लोग कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी कर रहे होंगे आज कोई ना कोई रिटेल डिलीवरी भी हो रही होगी और घर भी जाना होगा सबको तो so, एक बार फिर आप सबको नमस्कार और वेलकम आज ये छोटी सी मीटिंग जो है हमारे एरिया मैनेजर से बात हुई थी अंकित और जीशान जी से तो ये बेसिक गाइडलाइंस है कुछ हम बताना चाहते हैं कि रूरल ग्रामीण महोत्सव पे हालांकि आप लोगों से आप लोगों ने कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रामीण महोत्सव किए हैं तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी बट एक बार फिर भी दोहरा दें यदि कोई चीज मिसिंग होगी तो हम लोग एक बार कर सकते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी काम करो तो वो एक इवेंट होना चाहिए और ग्रामीण महोत्सव जो है ये फेस्टिवल इवेंट ही रेनो में हमेशा मनाया गया है चाहे वो बीपीएस ने किया या सनराइज ने किया या बाकी डीलर्स ने किया हमेशा बेहतरीन तरीके से किया है और इसकी सराहना जो है गूंज जो है फ्रांस तक भी गई हुई है और यही मैं चाहूंगा कि इस महीने भी, भी जो हमारे ये ग्रामीण महोत्सव हो रहे हैं और जो आप लोग सब कर रहे हो ये सब की अच्छी अच्छी फोटोज रिजल्ट के साथ में बुकिंग रिटेल के साथ में अच्छी गूंज जो है ये फ्रांस तक एक बार फिर से पहुंचे जहाँ पे पता लगे कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं विलेजर्स हैं ट्रेडर्स हैं टीचर्स बैंक ऑफिसर ट्रैक्टर ओनर सरपंच प्रधान किराना शॉप ज्वेलरी शॉप ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये केवल जिस गांव में आप कर रहे हो या जिस लोकेशन में कर रहे हो ये केवल उसी गांव का इवेंट नहीं है उसके आसपास में लगे हुए जो 15-20 किलोमीटर के अंदर दायरे में भी गांव आते हैं उनको भी अगर आप वहां पे भी काम करेंगे और बुलाएंगे सबको तो ये एक अच्छा इवेंट हमारे पास हो जाएगा गैदरिंग हो जाएगी लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे हमेशा हम लोग करते हैं ग्रामीण महोत्सव की तैयारी दस दिन पहले हो जानी चाहिए से होनी चाहिए और जैसे कि हम लोग अपना घर पे बर्थडे मनाते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी करते हैं या एनिवर्सरी मनाते हैं या शादी ब्याह होता है तो हम समय के पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं इसी प्रकार से ये इवेंट भी तो आज से अभी जो लोग का जल्दी है वो ऑलरेडी आप लोगों ने कुछ तैयारी ऑलरेडी कर रखी है तो इसलिए ये मान्य नहीं होगा लेकिन जिनका दस दिन का है वो दस दिन आज मान के चलें कि यदि दस दिन बाद उन्होंने इवेंट करना है तो ये कल सुबह क्या करेंगे आज तो वो दिन निकल गया कल सुबह आप लोग क्या करोगे सबसे पहला है कि एक क्रैकडाउन टीम बनानी है जिसके अंदर में सेल्स मैनेजर या जीएम डीलरशिप का टीएल के साथ और आर के साथ एक तीन चार बंदे होंगे मिल करके टीम बनानी है ताकि इवेंट का डिस्कस करना है इवेंट का फ्लो डिस्कस करना है प्रेपरेशन डिस्कस करना है और ये करना है कि हमने इस इवेंट से पांच गाड़ियों की डिलीवरी कम से कम लेके आनी है और ये तभी होगी जब हम आज से दस दिन से ही जब हम एक्शन पे आएंगे गाँव में जाएंगे लोगों से मिलना शुरू करेंगे और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंक्वायरीज हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि भैया इस दिन हमारा एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है और कंपनी से भी लोग आ रहे हैं तो आप लोग जरूर वहाँ पे आइए आपके लिए स्पेशल उपहार भी है और उस दिन आप डिलीवरी लीजिए फिर फाइनलाइजेशन ऑफ थीम हर इवेंट को एक कोई थीम का नाम दीजिए जैसे हमेशा मैंने देखा है कि हमारे सनराइज ने भी और वीपीएस ने भी इन लोगों ने थीम का नाम दिया है और इसी प्रकार से कोई भी एक थीम आप लेके जैसे अभी ये पानीपत ने पीछे किया था उन्होंने किया क्या, क्या कहते हैं अपना नवरात्री नवरात्रि महोत्सव इसी तरीके से आप लोग कुछ भी कर सकते हो नहीं कुछ भी कर सकते हो दिवाली महोत्सव कर सकते हो धनतेरस महोत्सव कर सकते हो उस हिसाब से थीम लेकर के आप ग्रामीण महोत्सव बनाइए और वेन्यू और टाइम जो है ये आपका फिक्स होना चाहिए टाइम सुबह नौ से शाम को पाँच साढ़े पाँच बजे तक जो भी नेसरी परमिशन चाहिए वो जगह की पहले से लेके रखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो और टारगेट करिए कि मिनिमम जो है 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स को आप रीच करिए एक्चुअली रीच तो आप जब लीफलेट बांटेंगे तो केवल वो गाँव में नहीं आस के गाँव में भी आप पाँच सौ सौ लीफलेट बांटेंगे और वो लीफलेट में से भी इंश्योर करेंगे कि आपकी टीम जो है जो ये कोर टीम है बाकी भी सेल्स कंसल्टेंट है अगर पंद्रह पंद्रह बीस बीस लोग को भी फोकस करते हैं और बुलाते हैं वहां पे तो भी करके कम से कम मिनिमम सौ तो आ ही जाएंगे इस प्रकार से आपने ये बुलाना है चीफ गेस्ट ये काम जो है सरपंच के कॉन्फिडेंस में ले करके होना चाहिए क्योंकि सरपंच जो है मुखिया है पंचायती राज का वो आपके विलेज में और उसका सम्मान जितना हम करेंगे हमारे लिए उतना गांव वाले भी बात सुनेंगे तो चीफ गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर इन्फ्लुएंसर सरपंच सीएससी का डीएम या वीएल बैंक्स जितने भी इनवाइटीज हो सकते हैं यहाँ पे इनको किसी को आप चीफ गेस्ट बना सकते हैं किसी को गेस्ट ऑफ ऑनर दो तीन को बना सकते हैं किसी को वैसे ही इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं कुछ प्रमुख बना सकते हैं फिर व्हीकल टू बी डिस्प्लेड ये आपने फाइनल करनी है कौन सी व्हीकल है स्पेशल डिस्काउंट उस दिन ऑन द स्पॉट बुकिंग के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं डिलीवरी का प्लान जो है महोत्सव साइट से करिए न्यूज मीडिया सोशल मीडिया यूट्यूबर मुनाडी मुनाडी बहुत जरूरी है जो कि मैं आगे बताऊंगा कब चलानी है फिर अभी एक दिन तो आपकी प्रिपरेशन में हो गया अभी नवे दिन से आपने क्या करना है लोकल इन्फ्लुएंसर जो भी आपका चीफ गेस्ट हो दो तीन लोगों को आपने मिलना है और उनको इन्वाइट करना है ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई छूट ना जाए तो इनवाइट कैसे करना है कि ये एक इनविटेशन कार्ड भी है जो मैंने पीडीएफ पे ऑलरेडी भेज दिया ओपन फाइल भी भेज दी और जाकर के पर्सनली जो है ये आपने जिला अधिकारी हैं या आ, सरपंच हैं या कोई ब्लॉक प्रमुख हैं या कोई पॉलिटिकल पौलेट, इसको मत करिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा इस तरीके से करके आप जो है वहां पे लोगों को इन्वाइट कर सकते डीलर प्रिंसिपल अगर आपके आ जाएं तो बहुत बढ़िया क्योंकि उनके आने से ये होता है कि लोगों को भी होता है कि मालिक आया तो मालिक की हम बात और ज़्यादा सुनेंगे को स्पॉन्सर भी करवाइए टायर बैटरी ल्यूब सीट ताकि पार्टिसिपेट करें ताकि उनके भी कस्टमर हमारे इवेंट पे आ जाए ये एक पर्पस है यहाँ तक कि फर्टिलाइजर वाले लोगों को भी आप इन्वाइट करिए ताकि ये टाइम है सीजन का टाइम है लोग बीज और फर्टिलाइजर वाले भी आ सकते हैं बाकी तो ये मैं बता चुका हूँ एक्सचेंज शॉपकीपर्स को भी आप जरूर लीजिए और अब बचते हैं आठ दिन आठ दिन आपने क्या करना है आठ दिन पहले आठवक की प्रेपरेशन जो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ इन्विटेशन कार्ड बैकड्रॉप बैनर गेट जो भी आपने बनाना है अच्छे तरीके से बनवा लीजिए और उसकी पहले सॉफ्ट कॉपी तो जरूर हमारे पास भेज दीजिए ताकि हम ये देख ले कि फोटो कहीं उसने कोई गलत तो नहीं लगा दी। लोगों लगाया नहीं लगाया तो तो सात दिन पहले सातवें दिन इन्वाइट लोकल मीडिया आपको जाना है खुद इन्वाइट करना है और ये हर काम जो है ना कुछ काम आप ऐसे बांटेंगे जो कि आपके टीएल या सेल्स मैनेजर या आपके एससी देख पाए लेकिन जो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जैसे लोकल मीडिया लोकल मीडिया को जब तक कोई सीनियर नहीं जाकर के इनवाइट करेगा मिलेगा थोड़ा उनको बताएगा कि भैया उस दिन आपके लिए जो है हमने स्पेशल एक गिफ्ट भी रखी हुई है आपके लिए पूरी किट है वहां पे आपको जरूर आना है इसलिए वो आएंगे भी छह दिन पहले आपने कलेक्शन इनविटेशन कार्ड और प्रिंटिंग ले लेने ले, कस्टमर को रिकनफर्म करना है जो लिस्ट आपने कल से ही प्रिपेयर करोगे कल सुबह से ही जो लिस्ट आपके पास होगी पुराने कस्टमर्स की नए कस्टमर्स की एक्सचेंज कस्टमर्स की जो कोल्ड इंक्वायरीज हैं उनकी भी प्लस सी एस से आपके टीम जो है जाकर के विजिटर्स की लिस्ट लेके आए और उनको भी इनवाइट करें वो सारी लिस्ट को कॉलिंग करके और लोकल डिग्नेटरीज की लिस्ट को भी इनविटेशन आप करें पांच दिन पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्विटेशन कार्ड स्टार्ट हो जाना चाहिए लोकल गेस्ट के साथ भी जगह जगह पे जा करके हमारी टीम जो है मिलेगी और कोशिश यही करिए कि कम से कम 500-700 हमारे ये हमारे और लीफलेट्स हमारे बढ़ जाने चाहिए चार दिन पहले फिर वही कंटिन्यू करना है आपने इनविटेशन कार्ड साथ, साथ में मोमेंटो गिफ्ट की भी रेनो ब्रांडेड आपने तैयारी करनी है कि क्या आपने देना है और चार दिन पहले ही आप जो है लीफलेट्स जो है या इन्विटेशन जो है वो यहाँ पे अपने लोकल न्यूज़पेपर में जो गांव में जाते हैं एक्चुअली और जो सरपंच गांव वाले पढ़ते हैं वो लोकल न्यूज़पेपर में आपने इंसर्शन करा देने हैं वो लगातार चलेंगे डेली अलग अलग एरियाज़ में तीन दिन पहले अभी ये आप मुनाडी की ये आप देख रहे हो ये बैनर लगे हैं तीनों जगह पे ये बैनर भी आपको प्रिंट भेज दिए डिजाइन भेज दिया है दिद फाइनलाइज करना है रूरल सेल्स कंसल्टेंट आर को जो आर या सेल्स सी आपका अच्छा काम कर रहा है ये दस महीने में अच्छा काम किया है ये साल में उसको भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करिए फैसिलिटेट करिए वहाँ पे लोगों के सामने कोई सर्टिफिकेट उसको दीजिए रिवॉर्ड दीजिए ताकि लोगों को भी लगे कि ये अपने लोगों अपने लोगों को भी और वो उस गांव का ही होगा आर या सेल्स कंसल्टेंट तो एक दूसरे की बात वो सुनेंगे उसको भी एक गर्व महसूस होगा कि मेरे को मेरे गांव के सामने सम्मानित किया गया रिफ्रेशमेंट स्नैक्स लंच डिनर एक्सेट्रा जो भी देना है डिनर तो नहीं होगा लेकिन रिफ्रेशमेंट जो भी होंगी स्नैक्स होंगी आपको डिपेंड करता है अब जैसे हमारे वीपीएस पे हैं वीपीएस के हमारे जो डीपी हैं और हमारे भरत भाई हैं हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो अच्छा लंच करवा दें और वो हमेशा पूड़ी आलू छोले इस टाइप का और एक मिठाई रख के वो एक भंडारा वहाँ पे लगवा देते हैं ताकि गांव में उनका कहना यह है कि जब लोग आ रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से उनका सम्मान करें ताकि वो याद करके जाएं कि हम ऐसे ही नहीं आ गए और इसी प्रकार से हमारे सनराइज पे भी अच्छे तरीके से होता है जहाँ पे आ, उन्होंने ये अपना समोसा मिठाई चाय कोल्ड ड्रिंक सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं सब लोग करने के लिए और बातचीत करते हैं मुनाडी पी सिस्टम अनाउंसमेंट ये तीन दिन पहले से ही आपने करवाना शुरू कर दीजिए इसकी पी सिस्टम की अनाउंसमेंट की जो है हिंदी की वर्जन मैं पहले भी आपको भेज चुका हूँ लेकिन हमारे दीपक भाई जो सनराइज पे हैं जिनका एक लोकल यहाँ पे बंदा है वो 300, 400 चार सौ या ढाई सौ रुपया लेता है वो लोकल अनाउंसमेंट आप जैसे बताओगे वैसे वो कर देगा मेरे पास शायद पड़ी होगी तो मैं आपको लोकल भेज दूंगा नहीं तो आप लोकल अपने यहाँ भी बनवा सकते हैं अभी बच्चे दो दिन दो दिन पहले आपने कंफर्मेशन करना है कस्टमर्स को अटेंड करना है इवेंट के लिए और टेली टीम लगा देनी है आपकी सीआरएम रिसेप्शन जितने भी लोग इवन यहां तक सर्विस के लिए भी जो लोग हैं सबको आप टीम लेकर के कॉलिंग कराइए कि उस दिन हमारा इवेंट है ये एक तरीके से जैसे मैंने बोला शादी ब्याह या एंगेजमेंट या बर्थडे उस टाइप का इवेंट है और रिकनफर्म करिए चीफ गेस्ट को दो दिन पहले फिर से ताकि कोई दिक्कत ना हो नाडी कंटिन्यू रहेगा लीफलेट बटते रहेंगे अभी बचा एक दिन अगले दिन जैसे आज का दिन बचा और अगले दिन कल जो है हमारा इवेंट है तो स्टेटस ऑफ व्हीकल जो डिलीवरी होनी है डिलीवरी आपको कोशिश यही है कि टारगेट हम पांच लेके चले पांच नहीं होता तो कम से कम हम दो की डिलीवरी तो हंड्रेड परसेंट करें साइट से और तीन की बुकिंग या पांच की बुकिंग हम एक्स्ट्रा वहां से लेके आए क्योंकि ये दस दिन की हमारी मेहनत जो है और ये समय भी है जहाँ पे अभी दिवाली का है और धनतेरस का है ये समय में अगर हम निकाल पाते हैं आप लोग के एडवांटेज के लिए है और जहां पे भी आपने इवेंट का साइट डिसाइड किया है, वहां पे एक शाम पहले ही वहां पे शाबियाने वाले को बोल दीजिए भैया तब्बू अब्बू अपना गाड़ दे ये ना हो कि अगले दिन सुबह वहां पे कोई बस प्राइवेट आके खड़ी हो जाए या ट्रैक्टर आके खड़ी हो जाए और आपको वहां पे इवेंट करने को ना मिले फिर अरेंजमेंट ऑफ डिस्प्ले वहकल जो भी व्हीकल डिस्प्ले होनी है वो भी अच्छे तरीके से साफ सफाई पीओपी के साथ में स्टैंडीज के साथ में और कारपेट के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई हो और साथ में ट्राइबर जैसी गाड़ी के अंदर में पीछे कैसे हम बोरे भी भर सकते हैं कुछ दिखाने के लिए अगर हो तो बहुत अच्छा होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स एंड फूड इवेंट एक बार फिर कंफर्म कर लें ताकि पानी का अरेंजमेंट तो हंड्रेड परसेंट हो ये ना हो कि लोग आ जाएं और हम फिर बोले अरे वो दुकान से पानी की बोतल लेके आ जाओ तो हर चीज जो है बड़े प्रोफेशनल तरीके से एडवांस तरीके से होनी चाहिए अब आता है हमारा इवेंट का डे ये इवेंट का एक डे है जो मैंने यहाँ पे सनराइज का लगा रखा है यहाँ पे फ्रांस वाले भी आए थे उन्होंने बड़ा सराहा था इस कार्यक्रम को डिलीवरी भी हुई थी और गाड़ी को सजा करके थाली में अपना नारियल सिंदूर फूल माला ये सब लेकर के क्या कराना है हेलो तो इस तरीके से करके आपने इसको सजाना है इसी प्रकार से बॉर्डर अच्छा तो लग गया आपका पंड भी है क्या एक बार बीच में कौन कौन बोल रहा है तो ये भाई आप डिसमेंट ऑलरेडी आया हुआ है प्रो तो यार सबको हेलो अंकित कौन डिस्टर्ब कर रहा है बीच में इसी प्रकार से हमारे वीपीएस ने भी हमारा इसी प्रकार से बहुत अच्छा इवेंट किया था जहाँ पे उन्होंने दो या तीन की मेरे को याद है डिलीवरी की थी वहां पे भी हमारे फ्रांस के लोग गए थे और अच्छे तरीके से करिए और साफ सुथरा बैनर लगवाइए और जो पीछे बैकड्रॉप भी लगे ना वो भी उस पर लगाइए जो आ, फ्रेम होता है नहीं तो बैक बैनर जो है एक तरफ से लटका होगा एक तरफ से उखड़ा होगा कहीं पे हवा चलेगी कहीं पे कुछ होगा वो दिक्कत वाली चीज होती है तो अच्छे तरीके से कार्यक्रम करिए और इस तरीके से देखिए कई जगह पे हुआ था यहाँ पे और साथ में मीडिया की रिपोर्ट बहुत जरूरी है आपके एडवांटेज मिलेगा आपको विमल कार शर्मा। आपको एडवांटेज मिलेगा जब आप रेनो इंडिया के बारे में जो स्क्रिप्ट हम आपको दे देंगे यहाँ पे आप अगर हिंदी में अपने लोकल उसमें निकलवाते हैं पेपर में कि ये ये कार्यक्रम किया डिलीवरी की हमने और एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट आप शेयर करेंगे हेड कि आप रिपोर्ट भेजते हैं और टारगेट हमने बताया विजिटर्स की कोशिश करिए कि ढाई प्लस विजिटर्स आप प्लान करिए प्लान करिए 40 की हॉट इंक्वायरी कम से कम 10-12 की और टेस्ट ड्राइव भी तीस चालीस की बुकिंग आठ दस की एक्सपेक्टेड डिटेल भी आठ दस की लेकिन अगर एंड में हमारे पास अगर विजिटर्स हमारे पास डेढ़ सौ दो सौ या सौ भी आते हैं तो बहुत अच्छा होगा इंक्वायरी कम से कम दस पंद्रह की आए हॉट इंक्वायरी चार पाँच की टेस्ट ड्राइव हमारी भी दस पंद्रह और बुकिंग कम से कम दो से पाँच गाड़ी की आए और रिटेल जो है हमारी दो जरूर होनी चाहिए उस दिन के लिए और ये हमारी ब्रांडिंग है जो मैंने आपको लिंक भी भेजी हुई है फाइल पीडीएफ भेजी हुई है यदि कोई भी दिक्कत होगी आप फिर से मेरे को मैसेज भेज सकते हैं हम फिर आपको भेज देंगे अभी ये एक बजट फॉर्मेट भी आप लोग को भेजा हुआ था नहीं तो अंकित जी आपको भेज देंगे ये बजट को जो आप इंडिविजुअली सबको अपना अपना बजट दिया गया है सबको पता है उसी बजट के हिसाब के अंदर में ही आपने इसको वर्कआउट करना है कहाँ पे क्या पैसा खर्च करना है कहाँ पे क्या आपने बचा सकते हैं और किसी दूसरी जगह पे करना है उस हिसाब से आप लेकर के ये काम करेंगे और ये प्लानिंग अगर करके चलेंगे ना तो टारगेट डेट भी आपके पास होगा आप बजट भी उसी हिसाब से ही उसी के दिन में अंदर चल सकते हैं इसी के साथ ही अब मेरा जो है ये प्रेजेंटेशन आज का खत्म है अभी मैं ओपन हाउस कर देता हूँ यदि किसी को कोई पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभिनव शेखर भाई नमस्ते वेलकम ऑल क्लियर सर थैंक यू अरे आपको तो गुरुजी ऑल क्लियर ही होता है आप तो माहिर हो यार आपसे क्या आप आप हो गए बी हो गए मैंने अभी अम्बाला में नहीं किया और सोनीपत ने भी वैसे किया हुआ है बट मेरे को इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं है और अलवर ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं अलवर भी कर लेंगे लेकिन मेरे को अभी डेट चाहिए फाइनल आप लोग की क्या क्या है यह बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पास जो डेट है अभी आ, फाइनल डेट तो सर अंकित जी को दी हुई है सर 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 फाइनल डेट ना सनराइज का 18 है बीपीएस का आ, 18 है है ना भरत जी हेलो हेलो भरत इज देयर हां भरत है भरत है भरत का 18 है तो सनराइज का 18 फिर क्यों कर रहे हो लैप लैप हो, जाए, न, न, हो न, जाएगा ओवरलैप हो जाएगा इनका बीपीएस टेंटेटिव था तो बीपीएस का ऊपर नीचे कर लेते हैं एक बार डिस्कस करके है ना चार भी ट्वेंटी है बीपीएस का फिर एक काम करो ना सर एटीन सर एटीन एटीन ही रहेगा सर अपना एटीन ही रहेगा फिर भी मैं एक बार बुकिंग्स करनी है मुझे मैं कंफर्म कर, दूंग परस्कल कर दूंगा आपको एक पर, कल या परसों कंफर्म कर दूंगा वैसे अठारह ही कंफर्म है सर मेरा अच्छा दीपक भाई आपका हो सकता है क्या सोलह को

22 का कर लेते हैं डन सर किसकी किसको हमारा कंफर्म है सर सागर आपका है? सागर तो पंद्रह का कंफर्म था आपका सर अभी तो टेंटेटिव भेजा था ना जी आपको अब अच्छा। एडवांस तो भी जा रहा है सर बंदा डायरेक्ट आपका कितने का है ये क्या कह रहे हैं आप सर uh, 21 को है सर मेरा कंफर्म ना 21 को कंफर्म है आपका हां जी मैं मेल डालने वाला था आपको आज ठीक है चलो बाईस का बाईस का दीपक जी का हो गया और एटीन का उनका हो गया बीपीएस भारत जी ए, ए, का बाईस का हो गया दीपक भाई का ठीक है एटीन तो हमारा भरत भाई का है ये और इक्कीस का हमारे सागर नितिन जी भाई का बोल रहे हैं सागर हो गया गुरमीत जी और रह गए सर ना गुरमीत जी हाँ चार्विक अम्बाला गुरमीत जी बीस हाँ। का आपका फाइनल हुआ था ठीक है सर ठीक है बीस को या पंद्रह को भी कर सकते हैं ठीक है बीस बीस को ठीक है चलो ठीक है वेरी गुड और किसका मेरा बाया... कुछ मेरा कुछ चेंजेस होंगे कि मेरे तीन चार को था कि मेरा जो सेल्स हेड है वो डेंगू में बीमार हुआ पड़ा तो अब उसको हम आगे पोस्टपोन करेंगे दिवाली के बाद सर दिवाली के बाद तो कुछ टेंटेटिव एक डेट बता दो सर वही तेईस या चौबीस एसजीपी तेईस या चौबीस लिख लू मैं चौबीस चौबीस लिख लिए सर चौबीस दिन ठीक है अलवर अलवर कब है अलवर में सर हमने रखा था सोलह का है सोलह तो, का क्या चीज सोलह सोलह सिक्सटीन सर अलवर सोलह कर रहे हो जी और उसके बाद अलवर में एक ये भरतपुर भी कर रहे हो मैंने सुना था भरतपुर के तरफ भी मैं भेज दूंगा आपको मेरे को बात डिस्कस करके उनसे अच्छा और आ, क्योंकि 16th को अगर आप कर रहे हो तो 70 हो नहीं सकता 18th ऑलरेडी फिक्स्ड है सोनीपत का कब है पंद्रह को आप देख लो अगर कर सकते हो क्या भाई अपना भरतपुर में पंद्रह को भरतपुर कर लेंगे सर हाँ पंद्रह को भरतपुर कर लो ये मैं नोट कर लेता हूँ और अलवर हमारा हो गया सोलह को ताकि एक साथ निपटा देंगे अट्ठारह को हमारा कुरुक्षेत्रा हो गया बीस को हमारा अंबाला हो गया इक्कीस को हमारा सागर हो गया अरे सागर अच्छा उन्नीस को संडे पड़ रहा है उन्नीस को संडे पड़ रहा है और बाईस को हमारा हो गया सनराइज पे आ, आगरा सोनाली जी और हरमीत हरमीत भी हैं हरमीत से कौन है हेलो तो हरमीत और आगरा दो बचे आगरा तो वैसे पहले बोल चुके हैं तेईस और चौबीस का वैसे हाँ, आ, सर आगरा का तो मेरे पास डेट है मथुरा और आगरा की तेईस और चौबीस को जी सर तेईस चौबीस जी सर ठीक है वेरी गुड आगरा तेईस चौबीस है और हरमीत से कोई है चलो ठीक है कोई बात नहीं बाकी जो है वो कर लेंगे अपना इत,

सनराइज का बाईस तारीख को है ठीक है अंबाला का जो है बीस तारीख को है कुरुक्षेत्रा का जो है अठारह तारीख को है और सोलह को जो है आ, नहीं वो अलवर भरतपुर का है इक्कीस ट्वेंटी फर्स्ट का सागर है सर सा सोनी ट्वेंटी फर्स्ट सागर है हाँ अरे भरत भाई ठीक है चलो आई थिंक इतने फिर फाइनल फारे करते हैं ओके okay. और किसी ने कोई पूछना हो भाई तो बता सकते हैं जरा प्लीज अन्यथा हम समाप्त करें आज का कार्यक्रम हरमीत से कोई नहीं जवाब दे रहे हरमीत से कोई है क्या चलो कोई नहीं है ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू thank you ankit thank you thank you, thank you sir. All area yes, sir managers thank all you sir uh, thank you all the best bye thank you sir hello